ख्वाहिशात को अगर कंट्रोल पर ना रखा गया तो सुनो, दो रिवायतें मैं आपको बताता हूँ, अगर इंसान अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में ना किया तो वो जानवर से ज़्यादा जलील होता है। यहाँ तक के बुज़ुर्गों ने लिखा है कि वो अपनी माँ से जिना कर सकता है और बेटी से भी जिना कर सकता है, अगर उसने ख्वाहिशात को अपने काबू में नहीं रखा। वो सब कुछ कर सकता है और हुआ है दुनिया में और हो भी रहा है। यह हमारे लिए हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, इसलिए कि डर लगता है। लेकिन बेशुमार ऐसे मामलात मौजूद हैं मियाँ, ये तो हम मुआज़ अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पढ़ रहे हैं इस बुरी खबर को सुनकर, तुम्हें हैरत होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में आए हैं भाई बहन शादी करने के लिए, इजाज़त मांगने के लिए, सगे भाई और बहन। और इतना ही नहीं बल्कि अरब ममालिक में, मैं खुद होकर के आया, कई घरों के अंदर ये बेहयाइयाँ मौजूद हैं। बहनों को महफूज रखने के लिए भाइयों से दूर किया जा रहा है। क्यों? ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं, उन्हें डर है अपने सगे भाई से, उसी के माँ से पैदा हुआ भाई, उससे खातून डरती है। ये उन इलाकों में मैंने देखा है, उन इलाकों में, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताना, अरब ममालिक की बात मैं कर रहा हूँ, कई घरों में ख्वातीन अपने सगे भाइयों से डर करके रहती हैं कि वो अकेला पाएँ तो हमारी इज्जत के साथ कुछ भी कर सकता है। अल्लाह की पनाह, ये कब होता है? जब ख्वाहिशात के घोड़े को आज़ाद कर दिया जाए, ये कभी काबू में नहीं आएगा, ये कभी काबू में नहीं आएगा। इसको काबू में करने के लिए दुनिया की ताकतें, कोई इंजेक्शन और टैबलेट नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र कंट्रोल में ला सकता है, काबू में ला सकता है। जब जब तुम अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाओ या खुद से करो, नफ्स अपने ख्वाहिशात से बाहर निकलता है और तुम्हारे दिल के अंदर एक करार और सुकून आता है। तुम तौबा बार बार करते रहोगे और उस सब से निकलने की बार बार ख्वाहिश करते रहोगे। और इसको छोड़ दो, देखो कितने ख्वाहिशात जन्म लेते हैं, कितने ख्वाहिशात जन्म लेते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाहिशात इंसान को कहाँ ले जाती हैं। शायद एक 7-8 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र का एक इलाका है, एक शहर है, बड़ा मशहूर शहर है। अब चूँकि मुझे कुछ भी बोलना मुश्किल है, सारी चीज़ें वायरल होती हैं, कोई भी उस जगह के लोग उसको गलत अंदाज में ना महसूस करें। पहले मैं हर चीज़ आपके सामने जाहिर करता बोलता था। एक शहर है, मैंने बाज़ाब्ता वहाँ की रिपोर्ट देखी थी, आज भी मेरे जहन में वो गूंजती है। 4 औरतें, मुसलमान औरतें थीं, कब्रिस्तान में रात के वक्त जाया करती थी। ये बात तो लोगों को मालूम होने लगी, बाद में कुछ लोगों ने उनका पीछा किया कि आखिर ये क्यों जा रही हैं। तो एक दिन कुछ लोगों ने जा कर के देखा तो कब्र को खोद करके उसके अंदर उतरती हैं और पूरे कपड़े उतारती हैं, नंगी होकर अपना पखाना एक दूसरे का खाती हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कितना घिनौना अमल है, बोलने में 1000 बार शर्म आए। क्यों? ये पकड़ा गया और पूछा गया, आखिर कोई जानवर भी तो नहीं करता ऐसा। तो पकड़ करके तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो सिफली अमल पर कब्जा हासिल कर ले, सिफली अमल पर, जादू पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वो चाहती हैं कि ये अमल किया जाए। उनको किसी बाबा ने बताया, जितना ये गंदा अमल करोगे उतने तुम पावरफुल जादूगर बन सकते हो। ये ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों में अपना थोड़ा सा रुतबा बढ़ाने के लिए सहर, सिफली और जादू के तरीके को अपनाने की कोशिश करते रहे और वो हासिल करने के लिए कितना गिरे, कितना गिरे। और मुंबई शहर का एक मोहल्ला है, यहाँ पर भी ये खबर मेरे पास जो आई उसके अफराद आज भी मौजूद हैं। ये ख्वाहिशात हैं, एक बाबा को सिफली अमल के अंदर महारत हासिल करने के लिए रोज़ाना बिस्तर पर खिंजीर को साथ सुलाना पड़ता है। ये इससे बड़ा अजाब क्या है जो दुनिया में तो खुद झेल रहा है।
लेकिन मैं इसका दूसरा रुख ये बताता हूं कि अगर ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं तो इंसान जानवर से ज्यादा जलील होता है, बहुत गिरता है, बहुत गिरता है। ऐसे भयानक काम इससे सादिर होते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आते, सोच में भी नहीं आते। ये नफ्स का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। इसको अकल पर गालिब आने ना देना कभी, इन ख्वाहिशात को अपने दिल पर या अपनी अकल पर गालिब आने हरगिज ना देना, वरना इतने भयानक काम ये करवा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा के मुतालिक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स ऐसा था जो लोगों के दफन होने के बाद कब्र खोद करके उनके कफन चुराता था और फिर उसको बाजार में बेचता था। लेकिन एक बार उसने एक खातून के कब्र को खोदा और कफन चुराया, उसकी नीयत खराब हुई, मुर्दे के साथ उसने बदकारी किया। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ये गुनाह ज़रूर हैं, बोलने में मुझे भी झिझक तो आ रही है। देखें झुर्रियाँ आ रही हैं जिस्म के अंदर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम एक मुर्दे को देख करके सिसक जाते हैं, सहम जाते हैं कि किसी की मौत पर इंसान का जिस्म बेकाबू रहता है, गमगीन रहता है। लेकिन अगर इन हालात में भी, मौत के बाद या कब्रस्तान में जाने के बाद भी कोई इंसान ऐसा कर सकता हो कि कब्र को खोद करके उसको नंगा कर दे, मुर्दे को, और फिर उसके साथ बदकारी करे, ये कौन सी चीज़ वहाँ तक लाई उसको? ये ख्वाहिशात, ये वो नफ्स अम्मारा, नफसानी ख्वाहिशात। इसीलिए मौला अली करमल्ला वजहुल करीम ने फरमाया, जिसके ख्वाहिशात, जिसका नफ्स उसके अकल पर गालिब आ गया, ज़िंदगी भर उससे कोई खैर साबित सादिर नहीं होगा, कोई अच्छा काम उससे नहीं निकल पाएगा। अपनी अकल पर इन ख्वाहिशात को गालिब आने हरगिज मत देना। हमने देखा है ये तमाम मामलात तजुर्बे के तौर पर, मैं आज आपके सामने ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आज इलाज का दिन है, आज इलाज का दिन है। हमारे जो ज़ख़म लगे हुए हैं, एक बार रहमान को पुकारो वो सब ज़ख़म भर जाएंगे। आज की ये मजलिस इलाज की मजलिस है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आज पुकारोगे तुम्हारे ज़ख़म भर जाएंगे। और इसीलिए मैं बारहा कहता भी हूँ, जिक्र की मजालिस में शिरकत करो, ये इतना तुम्हें पावरफुल बना देंगे, इतना पावरफुल कि गुनाहों से खुद ब खुद तुम्हें नफरत पैदा हो जाए, ख्वाहिशात पर कंट्रोल तुम्हारा खुद का हासिल हो जाए। वरना मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जाओ दुनिया में घूम फिर करके आना, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास विजिट करके आओ, बड़े से बड़े हकीम के पास जा करके आओ, किसी बड़े साइकेस्ट्रिक के पास जा करके आओ, नफ्स के मुतालिक उससे कोई इलाज लेकर के आओ कि मेरा कंट्रोल नहीं है, आप मुझे कोई गोली दे दो, कोई माजून दे दो, कोई इंजेक्शन दे दो। हो सकता है तुम्हें नींद की गोली तो दे दे, हो सकता है तुम्हें वो मुकम्मल ख़त्म करने की दवा तो दे दे, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की कोई दवा ये नहीं दे सकते। इसका कंट्रोलिंग पावर जिसने पैदा किया वही दे सकता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अब तुम अपने नफ्स के कंट्रोल के लिए किससे मदद मांगोगे, किससे मदद मांगोगे? सुनो तवज्जो से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ते हैं आप, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मर्दूद से, कि अल्लाह मुझे बचा ले किससे? शैतान मर्दूद से मुझे बचा ले। या आप किससे पनाह मांग रहे हैं, किसकी बारगाह में पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह की बारगाह में, कि मौला तू मुझे पनाह दे दे। इसके मुतालिक हकीम अहमद यारखानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी मिसाल यूं समझो, जैसे
किसी के हाँ आप मिलने के लिए गए, उसने घर के बाहर कुत्ता पाल रखा हो हिफाजत के लिए या किसी काम के लिए, दुश्मनों के लिए या किसी भी गरज के लिए कुत्ता पाल रखा हो, और आप गए घर के बाहर खड़े, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, दरवाजे में जा ही नहीं पा रहे, आप उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे करोगे? आप अपने दोस्त के घर अंदर जा रहे हैं लेकिन कुत्ता बाहर है, कुत्ता जैसी करीब जाते हो भौंकता है। अब आप दरवाजे के अंदर जाना चाहते हैं तो उस कुत्ते पर कंट्रोल कैसे पाओगे? रस्सी डालोगे, उसे पत्थर मारोगे, जितना मारोगे उतना उछल कूद करेगा। उसका सीधा सा तरीका यह है, जिसका कुत्ता है उसे बुलाओ। हकीम अहमद यार खान इमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उसी को पुकारो, भाई जरा बाहर तो आ जाओ। और वो जब आएगा, मालिक को कुत्ता अच्छी तरह पहचानता है, वो उसको कंट्रोल में कर देगा, उसको थोड़ा सा अपनी आवाज में हटा दे साइड में, कुत्ता हट जाएगा, दरवाजा खुला है आ जाओ। दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात कर लेगा, लेकिन उस बीच वाले कुत्ते के कंट्रोलिंग के लिए कुत्ते के मालिक को ही पुकारना होगा। इसीलिए हकीम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स एक कुत्ता है जो तुम्हें तुम्हारे रब के दरवाजे पर जाने से पहले भौंकता है, दरवाजे में खड़ा हो जाता है, नहीं जाना मस्जिद, नहीं जाना इस जिक्र पर, नहीं जाना इन महाफिल में। इस कुत्ते पर कंट्रोलिंग कैसे हासिल होगा? फरमाया गया, इसीलिए तुम इस कुत्ते के मालिक रब्बे जुलजलाल को ही पुकारो, पैदा तो उसी ने किया है, रब तबारक व ताला ने पैदा किया है, और वही तुम्हें इस पर कब्जा भी देगा। इसी के मुतालिक फरमाया गया, अल्लाह ने पहले ही कुरान पढ़ने से पहले हुक्म क्या दिया, ये पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से। आज हम इसीलिए इस मस्जिद में आए भी हैं। मैंने नफ्स के मुतालिक जो बातें ज़िक्र की, यकीनन नफ्स ने बहुतों को अंधा कर दिया, बहुतों को बर्बाद किया, बहुतों को गुमराह किया, कई को काफिर किया। जो कुफार और मुशरिकीन है ना, वो सिर्फ नफ्स की सुनते हैं, अगर हकीकत में वो तमाम मशाहिद और मनाजिर मेरे रब्बे जुलजलाल की कुदरत के नफ्स को छोड़ करके देखते तो ईमान ज़रूर लाते।